दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल कुलविंदर होम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपको आपके बजट के अंदर एक अच्छा घर दिया जाए। तो आज का घर भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली घर रहेगा हमारा दोस्तों, और बेसिक प्राइसिंग के अंदर रहेगा, लेकिन शानदार घर रहेगा, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ। प्रॉपर आपकी गेटिंग सोसाइटी रहेगी, सिक्योर रहेगी, सीसीटीवी कैमराज रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, और बेसिक एमिनिटीज के साथ आपको घर पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिए और मज़े लीजिए आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ से हमारी सोसाइटी शुरू हो जाती है, छोटी सी सोसाइटी है हमारी, गेटेड सोसाइटी रहेगी, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमराज, एक सिक्योर सोसाइटी हमारी यहाँ पूरी हमें मिल जाती है। एक अच्छी प्लेस है, बीच में जो रास्ता है आपको 60 फीट का मिल जाता है इंक्लूडिंग पार्किंग, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। और ठीक इस तरफ हमारे घर जो कि 3 BHK रहने वाले हैं, और बड़ी बेसिक सी प्राइस के अंदर बड़े शानदार घर आपको बनाए हैं यहाँ पर। स्ट्रीट लैंप्स आपको सारी जगह मिलेंगे लगे हुए। नीचे आपको वाटर टैंक आपको पूरा मिल जाएगा, और मोटर्स लगी हैं ताकि आपके जो पानी है वो ऊपर रहे। और ठीक इस तरफ हमारी स्टेयर्स जो कि ग्रेनाइट की हैं, उसके साथ आपको जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको यहाँ मिल जाती है। और कॉरिडोर में हमारे 2 अपार्टमेंट रहते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है शानदार मेन एंट्रेंस डोर जो कि 8 फीट की हाइट का रहेगा, और साथ में आपको जो है खिड़की आपको मिल जाती है यहाँ पर, ताकि वेंटिलेशन और लाइट जो है आपके घर के अंदर पूरी बनी रहे। और जैसे हम अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो शानदार सा हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हमारे सामने आ जाता है। जी हाँ, वाकई बहुत शानदार है, काफ़ी बड़ा है। 16 फीट की इसकी विड्थ रहेगी, और लेंथ जो रहेगी आपके बिल्कुल 19 फीट की रहेगी, तो काफ़ी अच्छा साइज हमें यहाँ पर मिल जाता है। आप आराम से जो रखना चाहते हैं वो रखिए। सीलिंग पर आपको बहुत शानदार डिज़ाइन मिल जाएगा, LED लैंप्स आपको मिल लगे हुए यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रॉपर आपको जो है ऊपर AC के वेंट्स मिलेंगे हर रूम के अंदर। आप देखिए यहाँ पर हमने 5 सीटर रूम रखा, उस सोफा रखा, उसके पास स्पेस कितनी बेहतर है। सोफ़ा आप अपनी मर्ज़ी का जैसा रखना चाहते हैं वैसा रखिए, हमने थोड़ी गलती की थी यहाँ पर, ये कॉर्नर टेबल यहाँ पर रखा, सोफ़ा रखा, तो उसके बाद इस स्पेस को हम अच्छे से सेटअप नहीं कर पाए, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ताकि आप ये जो LED पैनल हैं इसका पूरा मज़ा ले सकें। और ठीक इस तरफ जो है हमारा डाइनिंग एरिया, काफ़ी अच्छी स्पेस है, जैसे आप यूज़ करना चाहें इजीली आपका 6 सीटर जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पर लग जाएगा। फ्लोरिंग सारी की सारी वेट्रीफाइड टाइल्स रहेंगी, डबल चार्ज। और यहाँ पर ठीक आपके L शेप के अंदर आपकी किचन, पूरे 12.5x7 की आपकी किचन रहती है यहाँ पर, जो कि ग्रेनाइट के काउंटर टॉप के साथ है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा कलर, और कलर्स कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर यूज़ किए वो बहुत बेहतर है। प्रॉपर आपके वाइट कलर की आपको टाइल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक इसके ऊपर जो है आप देखिए पूरे वाइट कलर के अंदर है, और डबल लेमिनेशन है, पूरा सामान यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि काम अभी चल रहा है, वैसे फैमिलीज यहाँ पर ऑलरेडी रह रही हैं, तो इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें जो आपको यहाँ पर पूरी मिलती हैं, डबल सिंक आपको मिलेगा, साथ में जो टैप्स मिलेंगे आपको सेरा के मिल जाएंगे। और ठीक इसके ऊपर आपको जो है खिड़की पूरी मिलेगी वेंटिलेशन और लाइट के लिए। सीलिंग पर यहाँ पर भी आपको जो है पूरा डिज़ाइन मिलने वाला है यहाँ सीलिंग का, आराम से आप अपनी चिमनी लगाइए और पूरा प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे भी आपको पूरे कैबिनेट्स के अंदर डिज़ाइन मिलेगा, ड्रॉज आपको पूरे मिलते हैं, सिलेंडर के लिए प्रॉपर स्पेस आ जाएगी, आपका जो बाकी स्पेस है वो भी अच्छे से यूटिलाइज की गई है। इस तरफ आप अपना जो है डबल डोर वाला जो फ्रिज होता है उसे आप रख सकते हैं। ठीक ऊपर आपके पास फिर से एक कैबिनेट आया था, आप देखिए पूरी किचन को बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है, एक कम्प्लीट किचन है। और देखिए बेसिक प्राइसिंग के अंदर आपको हर चीज़ पूरी देने की कोशिश यहाँ पर हमने पूरी की है, और हमें उम्मीद है आपके मन के मुताबिक हमने काम पूरा किया है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है आपके लिए, कॉमन वॉशरूम, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के मन में रहता है कि हमें कॉमन वॉशरूम की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर आप कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा बिल्कुल ड्राइंग और डाइनिंग के साथ में। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और जैसे हम अंदर आते हैं हमें ऊपर मिलता है सीलिंग पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन और एक बेड लगा हुआ है। वैसे भी बता दूं ये आपको जो मिलेगा घर, ये सेमी फर्निश मिलेगा, बेड हम यहाँ से हटा लेंगे, और पीछे जो आपको वॉलपेपर है वो एज इट इज़ मिल जाएंगे। सामने आपको जो है LED पैनल मिल जाता है यहाँ पर, और ठीक यहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की जो कि 8 फीट की रहेगी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पर देखिए, बड़े से दरवाजे आपके रहेंगे पूरे घर के अंदर 8-8 फीट के, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रहेंगी ताकि वाइट और वेंटिलेशन है उसमें अंदर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों ये रूम जो आपका रहेगा 12.5x12 का रहेगा, ठीक इस तरफ जो है आपका
वार्डरोब्स आपके घर इस तरफ आपकी शिफ्ट कर दिया, और ठीक सामने आपका कॉमन वॉशरूम जो कि डाइनिंग और डाइनिंग के साथ एडजस्ट है। और बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पर आपको एक शानदार सा बेडरूम मिल जाता है जो कि 13.5x11 का है। सीलिंग पर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन मिल जाता है, और सामने की तरफ एक बड़ी सी खिड़की, और इस तरफ जो है आपके पास वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक आपको मिलती है। प्रॉपर आपको जो है ड्रेसिंग यहाँ पर पूरा मिलता है, बड़ा सा मिरर आपको यहाँ लगा हुआ है। साथ में आपको नीचे देखेंगे तो ड्रॉर्स आपको पूरे मिलेंगे, स्लाइडर्स आपको हर जगह मिलने वाले हैं यहाँ पर, और काफ़ी डीप है और सीलिंग की हाइट तक है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। नीचे भी हमारे पास जो है प्रॉपर शू रैक आपको मिल जाता है आपको, और यहाँ पर हमें जो मिल जाता है हमारा वॉशरूम जो कि अटैच रहेगा, सीलिंग की हाइट तक की हमारी जो टाइल्स रहेंगी। देखिए बेसिक है, लेकिन बेसिक के अंदर भी हमने कलर्स का पूरा ध्यान रखा ताकि आपको जो चीज़ मिले एक अच्छी मिले, आप याद रखें सालों साल, आपको कभी ऐसा ना लगे कि हमने कोई गलती की, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम पॉकेट फ्रेंडली होम बनाने की, ताकि आप इजीली वहां पर रह सकें, अपनी फैमिली के साथ जो लाइफ है उसे एंजॉय करते रहें। दोस्तों यहां से हम बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहां पर हमारा थर्ड बेडरूम आ जाएगा। स्पेस यहां पर भी खुली डुली आपको पूरी मिल जाती है, सामने तरफ खिड़की यहां पर मिलेगी, तीनों बेडरूम्स में, किचन में, हर जगह पे आपको खिड़की मिलती है। यहां पर एक शानदार सा बेडरूम है, यहां पर आपको जो पूरा 11x10 का आपको मिल जाएगा बेडरूम, 12x10 का स्पेस यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, और वार्डरोब्स आपके इनबिल्ट रहेंगे यहाँ पर, तो इनबिल्ट रहने से अच्छा है कि आपकी स्पेस काफ़ी बच जाती है। खिड़की आपको पूरी बड़ी सी मिलती है, और एक चीज़ और है यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ आप देखें, जैसे हम एंटर करते हैं तो नीचे हमारे पास ये जो एरिया है हमारा, ये बालकनी वाला एरिया है, तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर हमें बालकनी मिलती है, तो हमें ग्राउंड फ्लोर पर भी हमें यहाँ पर ब्लॉक बालकनी है जो कि अपने अपार्टमेंट की जो खूबसूरती है उसे पूरा बरकरार रखती है। तो छोटी सी सोसाइटी है, कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है, एक अच्छी सोसाइटी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK जो कि बहुत ही बजट के अंदर या पॉकेट फ्रेंडली के अंदर बनाया है हमने। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी हो, आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी डिटेल्स देख के हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ, आपका दोस्त कुलविंदर, सत श्री अकाल।